तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 11 का आपका इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का जो इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर आएगा वो बिल्कुल इसी प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली आपका ये 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11 के आपके इतिहास विषय के वार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आप लोग देख लें। पहला क्वेश्चन, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर किया गया? मेसोपोटामिया, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा रोम साम्राज्य। उसके बाद में चंगेज खान का प्रारंभिक मूल नाम क्या था? तो देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा तेमुजिन, यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लोगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैथेड्रल नगर किस देश में है? चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ें तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फ्रांस में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सेटलर शब्द अमेरिका में किसके लिए प्रयोग होता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा, यूरोपीय लोगों के लिए उपयोग होता है ये। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, इनमें से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है? हम्मुराबी का शासक था, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम्मुराबी जो था ना, बेबीलोन का शासक था। कहाँ का? बेबीलोन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में रोम आधुनिक में स्थित है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रोम जो है ना आधुनिक इटली में स्थित है, क्या राइट आंसर आएगा? इटली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, चंगेज खां की विधि संहिता को नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, चंगेज खां की विधि संहिता को यास के नाम से जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में सामंती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किसका शोषित वर्ग था? क्रस्को का। तो यहाँ से लिख लो क्रस्को, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रेरी चारागाह में है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रेरी चारागाह कहाँ पर है? दक्षिण, यहाँ से आप लोगों को लिखना है, दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लिख लें इसको। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रथम अफीम युद्ध चीन और के मध्य हुआ? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम अफीम युद्ध जो था ना, चीन और इंग्लैंड के मध्य हुआ था, ये इसका राइट आंसर होगा, चीन और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। उसके बाद में एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल वर्ष में आयोजित किए गए, कब आयोजित किए गए? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 1964, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जोड़ी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लोगे, पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लें और उसके बाद में दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको चौथे नंबर से कर लेना है और उसके बाद में तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका छठे नंबर से हो जाएगा और इसके बाद में चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लें और पाँचवे नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लोगे और उसके बाद में छठे नंबर की जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे सत्य सत्य वगैरह पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लो। पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के लोग ताम्रपत्रों पर लिखा करते थे? तो देखो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? असत्य, इसे असत्य कर ले। जूलियस सीजर यूनान का महान शासक था? तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में मंगोल सरदारों की परिषद को कुरी लताई के नाम से जाना जाता है? तो देखो ये भी आपका बिल्कुल सत्य होगा। उसके बाद में मध्यकालीन यूरोप की सबसे प्रमुख विशेषता सामंतवाद है? तो देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य होगा और उसके बाद में चौथे के बाद में पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, ये भी सत्य आपका और उसके बाद में देखिएगा छठे नंबर का क्वेश्चन, ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से आपसे पूछे गए पेपर में। पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की किलाकारी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर आ जाएगा, हेनरी रोलिंगसन ने पढ़ा था इसको। किसने? यहाँ से लिख लें, हेनरी रोलिंगसन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से लिख लें, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रोम में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 509 और इसके बाद में ईसा पूर्व हुई थी। तो यहाँ से लिख लें, 509 ईसा पूर्व, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लेखन सामग्री तैयार की जाती थी पेपायरस
यहाँ से आपको लिखना है पेपायरस से ये तैयार की जाती थी, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया यायावर शब्द से क्या आशय है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यायावर शब्द का मतलब होता है घुमक्कड़ी, तो यहाँ से क्या लिखोगे आप लोग, घुमक्कड़ी, यहाँ से आप लोगों को इस तरह से लिख लेना है। चलो मैं पूरा आपको लिख कर बताता हूँ अच्छे से, इस प्रकार से आप लोग लिख लेना, घुमक्कड़ी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे लिख लें आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन, चंगेज़ खां किस कबीले से संबंधित थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, चंगेज़ खां जो था ना वो कियात कबीले से संबंधित था, किससे, कियात से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सामंतवाद की प्रथा का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव कहाँ पर हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ था फ्रांस में, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फ्रांस इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा है, किस जापानी सम्राट ने मेजो की उपाधि धारण की। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, उसका राइट आंसर आ जाएगा मुत्सुहितो, क्या राइट आंसर होगा, मुत्सुहितो, आपको इस प्रकार से लिखना होगा मुत्सु और उसके बाद में हितो, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग नोट कर लो इसको। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो आपका प्रश्न नंबर 6 ये लिखा, 7 ये दिया गया, 8 ये लिखा है, 9, 10, 11, 12 इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। तो इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चन ही आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें अच्छे से और पूरा का पूरा समझ भी लें। ये आपका प्रश्न नंबर 22 रहा, और उसके बाद में प्रश्न नंबर 23 रहा, और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें, प्रश्न नंबर 23 तक ही आपके पेपर में, आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे।